हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इरिगेशन के टाइप। तो इरिगेशन जो होती है हमारी दो प्रकार से की जाती है। एक होती है नेचुरल, नेचुरल इरिगेशन, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करते हैं इन दोनों इरिगेशन के, तो नेचुरल के भी अलग प्रकार से होते हैं और आर्टिफिशियल के भी अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नेचुरल की बात करते हैं, तो नेचुरल में हमारा सबसे पहले नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से जो इरिगेशन हो जाती है खेतों में, जिसमें कि मानव द्वारा इरिगेशन ना किया गया हो। तो इसमें एक ही कारण हो सकता है, जैसे कि रेनफॉल, अगर वर्षा होती है तो अपने आप खेतों की सिंचाई हो जाएगी। और दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट होगा इनंडेशन। जैसे इनंडेशन मतलब हो जाएगा, जैसे कि ये होता है बाढ़, ये भी हो जाता है, ये नहर के भी माध्यम से हो जाता है कि नहर में जैसे पानी चल रहा है और नहर कट जाए, उसके कारण खेतों में बाढ़ आ जाती है, तो उसके कारण भी होता है। और ये किसी भी कारण से इसको कह सकते हैं, ये भी एक आपका नेचुरल ही माना जाएगा इन दोनों में। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की। तो हमारी जो आर्टिफिशियल इरिगेशन होती है, ये हमारी तीन प्रकार से होती है। एक हो जाती है हमारी कैनाल इरिगेशन, जो गांव में आपने देखा होगा, जो छोटी छोटी नहरें या बड़ी बड़ी नहरें किसी किसी गांव से निकलती हैं, तो आपका सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा कैनाल इरिगेशन। और दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा लिफ्ट इरिगेशन, और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन।